कार पेट्रोल। वो रहे सूजी और जेरेमी, काफी खुश लग रहे हैं दोनों। ओ, तो वो लोग प्लेग्राउंड जा रहे हैं। क्या हुआ दोस्तों? ओ नहीं, किसी ने मैदान में तोड़फोड़ कर दी है। मुझे लगता है तुम्हें किसी और दिन आना होगा खेलने के लिए। पर अभी तो ये बात मैट को बतानी चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। एक एक करके बोलो। ग्रेट, मैट और फ्रैंक मदद करेंगे। अच्छा आइडिया है दोस्तों, फैल जाओ और ऐसे बदमाशों को जल्दी ढूंढ पाएंगे। वो क्या था? शायद वही बदमाश होंगे। ओह, ये तो फ्रैंक है। वो बदमाश जरूर छुप रहे होंगे। तुम्हें लगता है वो शाम को निकलेंगे? उम्मीद है मैट और फ्रैंक उन्हें शाम को पकड़ लेंगे। ओह, मैदान में तो कोई भी नहीं है। तुम्हें ढूंढते रहना होगा दोस्तों। ये आवाज तो कंस्ट्रक्शन साइट से आ रही है, लेकिन दरवाजे तो बंद है। बढ़िया आइडिया है, इस कैमरे के साथ तुम फेंसिंग के ऊपर से देख पाओगे। धीरे धीरे। ये तो वही बदमाश है और ये लोग फिर से कुछ गलत करने वाले हैं। पकड़े गए। ये तो टायलर टाइक और उसका दोस्त है। लगता है तुम्हारी रात जेल में बीतेगी। हमारे मैट और फ्रैंक ये दोनों रात भर यहीं थे, देख रहे थे कहीं वो बदमाश भाग ना जाए। जाने से पहले तुम दोनों के लिए कुछ काम है। तुम दोनों को मैदान की सफाई करनी होगी। आखिर तुम दोनों ने ही यहाँ की ये हालत की थी। तो अब तुम दोनों खेलना चाहते हो सफाई करने के बाद? लगता है सूजी और जेरेमी भी यही चाहते हैं।
मैट सही है, तुम दोनों ने अपनी मस्ती कर ली, अब दूसरों को खेलने दो। मैदान को फिर से ऐसा देख के अच्छा लग रहा है। वक्त है इन बदमाश बच्चों के घर जाने का। उम्मीद है इन्होंने अपना सबक सीख लिया होगा। बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, कार सिटी फिर से सुरक्षित और साफ है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या हुआ बेबी एम्बर? तुम्हारी फुटबॉल खो गई और तुम कार सिटी बेबी टीम को ट्रेन नहीं कर सकती? तुम कार पेट्रोल को क्यों नहीं बुलाती? दोस्तों अरे बाप, घबराओ मत बेबी एम्बर, देखो कार पेट्रोल आ गई। बेबी एम्बर फुटबॉल यहीं रखकर अपनी बैटरी चार्ज करने गई थी, जब वो लौटी तो फुटबॉल गायब थी। तुम्हें याद है यहाँ आसपास कौन कौन था बेबी एम्बर? तुम्हें याद है ईथन यहाँ था? और कोई? सीमेंट ट्रक क्रिस्टोफर। और याद है गैरी कार सिटी की सफाई करते हुए? इनमें से ही किसी ने गलती से तुम्हारी फुटबॉल ले ली होगी। क्या ये मिस्ट्री सॉल्व कर पाओगे कार पेट्रोल? अच्छा सोचा फ्रैंक। ये ईथन तो नहीं है ट्रैक्स के साइज की वजह से। तुम कहाँ जा रहे हो हेक्टर? क्या तुम्हें दिखा क्रिस्टोफर के पास फुटबॉल? वो तो बस पत्ते हैं। वो देखो गैरी डम तक पहुंचने ही वाला है, तुम उसे टाइम पर नहीं पकड़ पाओगे। अरे हाँ, मैट के पास तो स्पेशल स्पीड बूस्ट है, ग्रेट आइडिया। हे मैट, गैरी के पास फुटबॉल है और वो डम तक पहुंचने ही वाला है, क्या तुम उसे रोक सकोगे? जाओ मैट। हाँ?
जल्दी मैट अपनी स्पीड बूस्ट का इस्तेमाल करो। हे गैरी, शायद तुमने गलती से बेबी एम्बर की फुटबॉल उठा ली जब तुम सुबह काम कर रहे थे। कोई बात नहीं, जानबूझकर तो नहीं ली, चलो चल के उसे वापस दे देते हैं। शुक्रिया कार पेट्रोल, बेबी एम्बर बहुत खुश है कि तुम्हें फुटबॉल मिल गई और अब वो कार सिटी फुटबॉल टीम को प्रैक्टिस करवा पाएगी। कार पेट्रोल। हाय बेन, तुम बहुत खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बेन देखो, ओह नो बेन, क्या तुम ठीक हो? यही रुको, मैं कार पेट्रोल को बुला के लाती हूँ। ये रहा मैट, इसको बुलाते हैं। मैट, मैट रुको, बेन को तुम्हारी मदद चाहिए, वो पुल पे फंस गया है। मैट, तुम क्या कर रहे हो? पुल तो राइट पे है। ओ, तुम फ्रैंक को बुला रहे हो मदद के लिए, बहुत अच्छा आइडिया है। बेन परेशान मत हो, मैट और फ्रैंक तुम्हें अभी निकाल देंगे इस गड्ढे से। लगता है ये रास्ता इन पत्थरों की वजह से बंद है। ओ हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बुलडोजर बिली को बुलाते हैं, वो ये रास्ता साफ कर देगा। बिली, मैट और फ्रैंक को तुम्हारी मदद चाहिए ट्रैक्टर बेन को बचाने के लिए, हमारे साथ आओ। ओके बिली, चलो रास्ता साफ करते हैं। चलो दोस्तों, अब चलें। मैट, ये अच्छा आइडिया था, पर लगता है बेन तुम्हारे लिए काफी भारी है।
क्या कर रहे हो फ्रैंक? ध्यान दो, नहीं तो बेन को टक्कर लगेगी। ओह, ये बहुत अच्छा आइडिया है फ्रैंक। कम ऑन मैट, कम ऑन फ्रैंक, बस हो गया ये। ये बहुत ही अच्छा। अगली बार रास्ते पे ध्यान देना बेन। कार पेट्रोल। हेलो मैट और फ्रैंक, कितना सुंदर दिन है आज, नहीं? एम्बर, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ओह, बेचारी एम्बर, तुम्हारी लाइट खो गई। परेशान मत हो एम्बर, मैट और फ्रैंक कुछ ही देर में तुम्हारी लाइट ढूंढ देंगे। चलो उन्हें बताएं क्या हुआ। मैट, फ्रैंक, एम्बर मुसीबत में है, उसकी लाइट खो गई। तुम्हें उसकी लाइट ढूंढने में मदद करनी होगी। एम्बर हॉस्पिटल के पास है मैट, तुम्हारे लेफ्ट पर। एम्बर, मैट और फ्रैंक तुम्हारी मदद के लिए आ गए। मैट और फ्रैंक, चलो पहले हम प्लेग्राउंड चेक करेंगे। नहीं, यहाँ नहीं। मैट, फ्रैंक, शायद हमें बाकी कार से पूछना चाहिए अगर उन्होंने एम्बर की लाइट कहीं देखी है। चलो टॉम से पूछते हैं, शायद उसको पता हो। हेलो टॉम, हम एम्बर की लाइट ढूंढ रहे हैं, क्या तुमने कहीं देखा है उसको? चलो गार्बेज ट्रक गैरी के पास चलते हैं। हाय गैरी, क्या तुमने एम्बर की लाइट देखी है कहीं? चीयर अप, हम जल्दी ही एम्बर की लाइट ढूंढ लेंगे। वो क्या है फ्रैंक? हाँ तुम सही हो, यही वो लाइट है। वेल डन फ्रेंड्स, पर हम इसे लेकर जाएंगे कैसे? फ्रैंक, कितना अच्छा आइडिया है। ब्रावो फ्रैंक।
नंबर। मैट और फ्रैंक को तुम्हारी लाइट मिल गई। वो बहुत अच्छे। ब्रावो फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे दोस्तों। कार पेट्रोल। हाय बिली, कैसे हो तुम? क्या तुम खो गए हो बिली? डोंट वरी, मैं अभी किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजती हूँ, यही रहना। मैट, हे मैट, बुलडोजर बिली अपना रास्ता भूल गया है, हमें उसको ढूंढना होगा। मुझे लगता है हमें मदद चाहिए होगी मैट। चलो फायर ट्रक फ्रैंक को बुलाते हैं। हे फ्रैंक, क्या तुम बिली को ढूंढने में हमारी मदद करोगे? वो खो गया है। तो हम कहाँ से शुरू करें? सही कहा मैट, बिली आज सुबह एम्बुलेंस एम्बर से मिलने गया था। चलो एम्बर के पास चलें। हे एम्बर, ऐसा सुना कि बिली आज सुबह तुमसे मिलने आया था, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? अच्छा, वो फार्म गया है। थैंक्स एम्बर, चलो वहाँ चलें। मैट, फ्रैंक, देखो वो रहा ट्रैक्टर बेन। हे बेन, क्या तुम जानते हो बिली कहाँ गया? वो जंगल के पास है। चलो वहाँ चलें दोस्तों। ध्यान रखना हम वहां खो नहीं जाएं। बिली, तुम कहां हो? अगर हम ऊपर से देख पाते तो कितना अच्छा होता। क्या हुआ? वाओ, कैमरा, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो देखते हैं अगर हमें बिली अब दिखता है या नहीं। वहाँ वहाँ आगे वो बिली है। बिली, तुम बच गए। मैट और फ्रैंक आ गए।
अमेजिंग, तुम दोनों ने बिली को बचा लिया। अब ध्यान से घर जाना, फिर मिलेंगे दोस्तों। और हाँ,